खरगोन शहर से सेंधवा की ओर जा रही एक तेज रफ्तार यात्री बस शुक्रवार शाम करीब 6 बजे जुलवानिया रोड स्थित ग्राम नंदगांव रोड के समीप अनियंत्रित होकर पलट गई। यात्रियों के मुताबिक हादसा बस चालक की लापरवाही से हुआ। हादसे में 8 यात्री घायल हुए, जिन्हें जिला अस्पताल लाया गया। यहां एक की हालत बिगड़ने पर इंदौर रेफर किया गया। मिली जानकारी के अनुसार यात्री बस नंदगांव रोड के समीप सड़क से उतरकर पलट गई। बस के पलटते ही यात्रियों की चीख पुकार मच गई। खंडवा बड़ौदा स्टेट हाईवे पर हुई हादसे के चलते बड़ी संख्या में रास्ते पर लोग जमा हो गए। पुलिस के पहुंचने पर आवागमन सुचारू कराया गया। वहीं ग्रामीणों की मदद से घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा इमरान शेख नाम है। कैसे का एक्सीडेंट हुआ है? 30 से 40 चल रहा। कहाँ पर हुआ? एक बड़ूर फटे के आगे। कैसा हुआ मालूम है? ड्राइवर की लापरवाही की वजह से हुआ है, गाड़ी तेज चलाने के लिए हुआ है। और यहाँ पर खरगोन अस्पताल में 8 व्यक्तियों को लाया गया है। कोई घूम गया है, कोई जो अच्छा था वो अपने अपने घर चले गए हैं। सब जैसा था जैसी हालत में, बहुत चीख बुखार चल रही थी वहाँ पर, और किसी को समझ नहीं पड़ रहा था। हम भी जैसे तैसे यहाँ पर लेके आए हमारे पापा को भी, और हम खुद बहुत परेशान थे कि क्या पता क्या हुआ, इतना बड़ा हादसा होकर। बस कौन सी थी, कहाँ जा रही थी? बस ये जा रही थी सेंधवा जा रही थी बस, और बस तो कौन सी थी ये पता नहीं मुझे, सेंधवा जा रही थी बस। क्या नाम है आपका? इमरान शेख। कहाँ पर हुआ? कैसे हुआ? नंदगांव के पास। हाँ, कैसे हुआ? एकदम से पलटी खाई, दारू पी रहा, कई कई करे दारू पी रहा छेता। कितने लोग घायल हुए? दारू पिया था। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।